The question is, two water taps together can fill a tank in 9 3 by eight hours. The larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब यहाँ पर हमें दिया है कि two water taps हैं, जो कि दोनों एक साथ मिलकर अगर उनको एक साथ उनको खोल दिया जाए, तो nine three by eight hours में एक tank को completely fill करते हैं। जो लार्जर है वो टेन आवर्स लेस लेता है स्मॉलर वन से क्योंकि जिसका जो टैप लार्जर है जिसका डायमीटर लार्जर होगा तो ऑब्वियस है कि वहां से पानी का फ्लो ज्यादा होगा और वो कम टाइम में टैंक को फिल कर सकता है तो वो टेन आवर्स लेस ले रहा है टू फिल द टैंक राइट इन कंपेयर टू द स्मॉलर वन फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक हमें दोनों का सेपरेट टाइम बताना है कि कौन सा टैप कितने टाइम में अलग अलग से एक टैंक को पूरा फिल कर सकता है ठीक है तो यहां हम पहले सपोज कर लेते हैं कि जो स्मॉलर टैप है वो एक्स आर्स में फिल करता है सपोज द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन एक्स आर्स देन लार्जर टैप टैंक अब देखो लार्जर टैप कितना अब यहां पर कितने टाइम के लिए दोनों टैप्स को चलाया गया है नाइन थ्री बाय एट आवर्स के लिए राइट right? अब एक्स आर्स में ये एक टैंक को फिल कर रहा है तो यहाँ हम पहले ये देखेंगे कि ये वन आवर में कितना पार्ट जो है फिल करेगा टैंक का अगर एक पूरे टैंक को फिल करने में एक्स आर्स लग रहे हैं तो वन आर में वो इसका वन बाय एक्स पार्ट जो है फिल करेगा जैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में करते हैं वन डे वर्क निकालते हैं वैसे यहां पर वन आर वर्क निकालना है यहाँ पर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप

और नाइन आवर्स ऑलमोस्ट 9 आवर्स का हमें फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही हम फाइंड करेंगे लार्जर टैप का सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन वन आर अब देखो ये एक्स माइनस टेन में करा था तो वन आर में कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टेन तो सेम चीज अब इसे भी ओपन किया गया है नाइन थ्री बाय आवर्स के लिए तो ये भी हमारे पास कर देगा 75 by 8 में, राइट right? तो अब यानी कि जब इसे नाइन थ्री बाई एट आवर्स चलाया गया तो इसने इतना पार्ट फिल कर दिया और लार्जर ने इतना पार्ट फिल कर दिया अब दोनों ने मिलकर के जो है एक कंप्लीट टैंक uh, जो है फिल किया है ठीक है तो यानी कि जब हमारे पास जो कंप्लीट uh, वर्क है उसे हम यहाँ पर वन लेकर के चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर के यानी की सेवन बाई एट इंटू वन बाय प्लस सेवेंटी फाइव बाई एट इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टेन तो दोनों ने एक काम कंप्लीट किया एक वर्क कंप्लीट किया एक टैंक फिल किया तो राइट साइड पे हमारा आएगा वन इसकी जगह पे अगर वो देता है कि ये दोनों मिलकर के हाफ टैंक फिल करते हैं तो यहाँ हम वन बाय टू लगाते हैं राइट अगर ये पूरा एक टैंक फिल किया है तो आप यहाँ पर वन लगाओगे क्योंकि जो जो कंप्लीट वर्क है उसे हम वन सपोज करके चल रहे हैं यहाँ पर तो अभी इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है सेवेंटी फाइव बाई एट हमारे पास कॉमन आ जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टेन इज इक्वल्स टू वन तो यहाँ हमारे पास सेवेंटी फाइव बाई एट एल्सियम ले लेंगे अंदर एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन ये सेवेंटी फाइव बाई एट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ हमारे पास बचेगा टू एक्स माइनस टेन और डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स माइनस टेन एक्स सेवेंटी फाइव बाईट राइट साइड पे जाके एट बाई सेवेंटी फाइव हो जाएगा अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो सेवेंटी फाइव इंटू टू एक्स माइनस टेन इज एक माइनस टेन एक्स तो सेवनटी फाइव टू जाए वन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट एक्स So माइनस एटी एक्स एट एक्सर माइनस एटी साइड पे ले आते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा ये और प्लस का आ जाएगा सेवन फिफ्टी इज इक्वल्स टू जीरो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एट एक्स स्क्वेर वन फिफ्टी एट सॉरी ये एटी है हमारे पास वन फिफ्टी एंड एटी हमारे पास हो जाएगा टू थर्टी टू थर्टी एक्स प्लस सेवन फिफ्टी इज इक्वल्स टू जीरो तो अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है पहले तो ये पूरी इक्वेशन टू से डिवाइड हो रही है सो फोर एक्स स्क्वाइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन एक्स और यहां आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स तो फैक्टर्स करने के लिए आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो मींस प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं फैक्टर्स तो थ्री सेवनटी फाइव इंटू फोर करेंगे तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड और हमें इसके फैक्टर्स करने वन हंड्रेड फिफ्टीन तो फैक्टर्स बन जाएंगे हंड्रेड एंड फिफ्टीन फोर एक्स स्क्वायर माइनस का ही हंड्रेड एक्स और माइनस का ही फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री सेवनटी फाइव इज टू जीरो थ्री सेवेंटी फाइव और फोर की का जो प्रोडक्ट है वो फिफ्टीन हंड्रेड आएगा तो उसी वजह से हमने यहाँ पर इनके किए हैं फैक्टर तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखो फिफ्टीन हंड्रेड आ जाएगा तो यहाँ कॉमन आ रहा है फोर एक्स एक्स माइनस ऑफ ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव सो एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव फोर एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो राइट right? तो अब इसमें देखो हम आगे क्या करेंगे जो दोनों फैक्टर्स थे इनको सेपरेटली इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और वहां से देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी या तो हमारे पास एक्स ट्वेंटी फाइव आ जाएगा या फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन बाय फोर अब इसमें से हमें यह देखना है कि दोनों में से वैल्यू कौन सी वैलिड है जरूरी नहीं है कि दोनों से ही हमारा आंसर आ सके अब देखो जैसे हमने एक्स लिया फिफ्टीन बाय फोर इफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर देन जो दूसरा टाइमिंग थी हमारी लार्जर टैप की वो थी एक्स माइनस ऑफ टेन आर्स ठीक है अगर स्मॉलर टैप ने फिफ्टीन करके आर्स लेते हैं तो फिफ्टीन बाई फोर माइनस टेन अगर आप इससे करते हो एल्सियम लोगे फिफ्टी माइनस ऑफ फोर्टी तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी फाइव फोर अब देखो लार्जर टैप का जो टाइम है एक्स माइनस टेन वो यहां पर नेगेटिव आ गया विच इज नॉट पॉसिबल या आपको फेयर में यहाँ पे लिखना भी है आपको शो करना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल तो इसलिए हम x इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर को रिजेक्ट कर देंगे तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो x के लिए ट्वेंटी फाइव आ गई सो so x माइनस टेन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन दैट इज फिफ्टीन तो जो स्मॉलर टैब था वो कितना टाइम ले रहा है ट्वेंटी फाइव आवर्स और जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम लेगा पूरे टैंक को फिल करने में फिफ्टीन आवर्स तो ये हमारा आंसर होगा इस टेप से हमें सॉल्व करना है थैंक यू